यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में पॉलिसी सेमिनार ऑन ब्लू इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान का इनेकाद। मेहमान खसूसी विफाकी वजीर बराए समंदरी अमूर अली जैदी ने खिताब करते हुए कहा कि बाबर गौरी 8 साल वजीर रहे, लेकिन उन्होंने ब्लू इकोनॉमी को सिर्फ ब्लैक ही किया। 1075 किलोमीटर की कोस्टल बेल्ट रखने वाला मुल्क कर्ज लेता नहीं देता है। प्लानिंग के फुकदान की वजह से कराची का ये हाल है। 95% तिजारत पोर्ट के जरिए होती है। गवादर को मौजूदा मुआशी चैलेंजेस के मुताबिक बनाना होगा। 95% of your trade goes through the ports. 95% port se jaati hai. To jo import kar raha hai usne bhi port ko paise dene hain. जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसने भी बोर्ड को पैसे देने। विफाकी वजीर का कहना था कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी में इजाफे की बुनियाद पे किया गया। विफाकी वजीर असद उमर की क्या हैसियत कि वो कीमतों में इजाफा करें? ये तेल की कीमत असद उमर ने नहीं बढ़ाई है, इतना ताकतवर नहीं हुआ असद उमर के दुनिया की तेल की कीमत बढ़ा दे। हाँ ये जरूर असद सवाल, ये जरूर असद उमर, मैं ये कह रहा हूँ असद उमर इतना ताकतवर नहीं है कि दुनिया की तेल की कीमत नीचे कर दे और ऊपर बढ़ा दे। दुनिया भर में तेल की कीमत ऊपर बढ़ी है। विफाकी वजीर ने मुआशी तरक्की में समंदरी तिजारत को अहम हिस्सा करार देते हुए कहा कि दुनिया में ज्यादातर जंगें तिजारती बिलखसूस बहरी रास्तों के लिए हुई। कैमरामैन साजिद अलियास के साथ फारूक हमजा, लाहौर न्यूज़।